अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी एड्स को रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, यानी आपको एड्स शो ना हो वो सेटिंग्स कैसे आप इनेबल कर सकते हैं, क्या करना है, उसके लिए मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। बिल्कुल, ऐसा क्या होता है ना कि कई बार आप क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसके अंदर में भर भर के ऐड्स आते हैं, यानी इतने ऐड्स आते हैं आप परेशान हो जाते हैं और उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं। बट वो आपके यूज़ का रहता है, फिर भी आप कहते रहने दीजिए, छोड़ देते हैं। तो फिर मैं आपको एकदम लाइव डेमो के साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से ऐड्स शो हो रहा है और किस तरीके से जो मैं सेटिंग्स बताऊंगा, सेटिंग्स इनेबल करने के बाद में एड्स जो है रिमूव हो जाते हैं, एड्स जो है नहीं शो होते हैं। तो फिर इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना होगा ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर के आखिर तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशंस ओपन कर करके कि जिसके अंदर में कितने भर भर के एड्स आ रहे हैं। जैसे अभी मेरे पास में एक एप्लीकेशन ये है अदान, सिंपली अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए अभी मैं आपको एड्स शो कराता हूँ। एप्लीकेशन ओपन हुआ, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में देखिए यहाँ पे एड्स आए, ये आपको एड्स नज़र आ रहा है। इसी के बाद में अगर जैसे मैं किसी भी मतलब बटन को मैं क्लिक करता हूँ एक से दो बार, उसके बाद में जो है यहाँ पे एड्स आने शुरू हो जाएंगे। देखिए एड्स आने शुरू हुए, अभी इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, यहाँ से ये मैंने एड्स रिमूव कर दी, मतलब एड्स को वैसे मैंने नॉर्मली मैनुअली हटाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एड्स आ रहे हैं, इसके अंदर में आया। दूसरा एप्लीकेशन अगर मैं ओपन करूँ सुपर VPN, जो कि मैंने आपको बताया था किस तरीके से इंस्टॉल करना है, अगर इसको मैं ओपन करूँ, जैसे आप इसके अंदर में ओपन कीजिएगा, इसको कनेक्ट कीजिएगा, तो फिर आपको एड्स आएंगे। तो ये सारे एड्स बंद हो जाएंगे। जी हाँ, एक सुपर ऐप है जो मेरे लिए सब कुछ करता है, ट्रैक्स ऑल माय मनी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। देखें जैसे इसको ओपन करते हैं यहाँ पे क्या है, एड्स शो होने लगे। अगर मैं टैप करके कनेक्ट करूँ तो फिर तो भी एड्स जो है वो शो होने लगेंगे। देखिए फिर से एड्स आया, इसको मैं फिर से क्लोज करूंगा। तो इस तरीके से भर भर के एड्स आते हैं इसके अंदर में, यहाँ पे भी एड्स आ रहे हैं, शो हो रहे हैं ना, जो है आपको एड्स नज़र आ रहा है। अगर मैं कोई ब्राउजर, यानी अगर मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करूँ, क्रोम ओपन करने के बाद मैं अगर मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ तो फिर यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे एक है, ये वेबसाइट ओपन है। ठीक है, अभी इसके अंदर में अभी ऐड नहीं आ रहा है, जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ऐड्स आने शुरू होंगे। कुकीज़ एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कुकीज़ को। अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर में देखिए यहाँ पे ऐड्स आने शुरू हो गए। देखिए एड्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, नीचे में डाउन में यहाँ पे आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आप देखिए एड्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ये आपको एड्स नज़र आ रहे हैं। तो इन सारे को रिमूव करने का बस एक ही तरीका है, एक ही सॉल्यूशन है, आपको जाना है अपने सेटिंग्स के अंदर में। चलिए अब मैं बताता हूँ कि अब ये एड्स बिल्कुल भी नहीं शो होंगे, जो भी एड्स मैंने आपको दिखाया है कोई कोई एप्लीकेशन के अंदर में। हाँ, ये मैं आपको बता दूँ कि यूट्यूब पर जो एड्स आते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो इसके लिए इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि हाँ YouTube के जो एड्स आते हैं वो भी हमारे रिमूव हो जाएंगे। नो, हाँ YouTube पे जो नॉर्मल एड्स आते हैं वो हट जाएंगे, लेकिन जो वीडियो के अंदर में जो वीडियो प्ले करते हैं, वीडियो प्ले करने के बाद में वहाँ पे जो एड्स आते हैं वो नहीं हटेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, अभी जो मैं एड्स आपको बताया हूँ, यानी कोई भी एप्लीकेशन हो उसके अंदर में अगर नॉर्मली इस तरीके से एड्स शो हो रहा है और ब्राउजर पे कोई भी वेबसाइट हो जिसमें एड्स शो हो रहा है, उसको कैसे रिमूव करना है, तो इसके लिए आप सिंपली क्या कीजिए, सिंपल सा है, सिंपली आप सेटिंग्स ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स के अंदर में जाइए, आप सेटिंग्स में आने के बाद में आपको जाना होगा अदर एंड यहाँ पे नज़र आ रहा है अदर वायरलेस कनेक्शंस, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेटिंग्स में आने के लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सेटिंग्स है नज़र आ रहा है, आप इस तरीके से सेटिंग्स को जो है ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, अदर वायरलेस कनेक्शन में आपको जाना है, कनेक्शन में। जैसे यहाँ पे आइएगा तो आप स्क्रॉल अप कीजिएगा तो आपको नज़र आएगा प्राइवेट DNS, सिंपली आपको इसको ऑन करना होगा। और यहाँ पे क्या टाइप करना होगा वो मैं आपको बताऊँगा। प्राइवेट DNS में आपको जाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस तरीके से आप नहीं फाइंड कर पाते तो आपको एक सर्च बार नज़र आ रहा होगा, सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए सर्च के अंदर में, और यहाँ पे आप टाइप कीजिए प्राइवेट डीएनएस, ये आप टाइप कीजिए और सर्च कर लीजिए। बेसिकली किसी भी तरह आपको प्राइवेट DNS के अंदर में जाना है ताकि आप DNS को जो है चेंज कर सकें उसके अंदर में। तो सिंपली आप प्राइवेट DNS ओपन कीजिए। प्राइवेट DNS जैसे आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको प्राइवेट DNS नज़र आ रहा है, सिंपली आप इसको ओपन कीजिए। यहाँ पर आने के बाद में आपको नज़र आ रहा होगा, एक है ऑटो, दूसरा है डेजिग्नेटेड प्राइवेट DNS। सिंपली आपको क्लिक करना है डेजिग्नेटेड प्राइवेट DNS पे, और यहाँ पे आपको अगर, यानी अभी तो आपको डायरेक्टली
ओपन करने के लिए बताएगा, तो वहां पे अगर मॉडिफाई नजर आता है तो सिंपली आप मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए और यहां पे आपको टाइप करना है dns.adguard.com। ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है ये लिख करके मैं आपको दे दूंगा और वेबसाइट पे भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आपको क्या लिखना है उसके अंदर में, dns.adguard.com, ये आपको टाइप करना है और उसको सेव कर देना है, दैट्स इट। इतना आपको लिख देना है, यानी जैसे इसके ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा डेजिग्नेटेड प्राइवेट DNS पे, तो वो आएगा लिखने के लिए, आप वहाँ पे dns.adguard.com लिख दीजिए। अब चलिए मैं आपको ओपन करके बताता हूँ सारे एप्लीकेशन को, जो जो एप्लीकेशन मैंने ओपन करके बताया सबको मैं ओपन करके फिर से बताता हूँ मैं अभी आपको। ये मैं गया आधार, मैंने एप्लीकेशन ओपन किया, अब देखिएगा इसके अंदर मैं ऐड छू मंत्र जा चुका होगा, देखिए एड्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, पहला ये नज़र आ गया। दूसरी बात, अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ, ये तो खैर ये कम्युनिटी के लिए मतलब वो है पॉपअप वो वाला चीज़ है, तो यहाँ पे एड्स शो नहीं हो रहे हैं, एड्स शो नहीं हो रहे हैं, एड्स शो नहीं हो रहे हैं। मैं किसी भी प्लेयर पे भी कोई क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एड्स शो नहीं हो रहे हैं, एड्स जा चुके हैं। अब इसके बाद में अगर मैं सुपर VPN को ओपन करके मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, एप्लीकेशन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में भी कोई एड्स नहीं आ रहे हैं। टैप टू कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये कनेक्ट होगा तो भी एड्स नहीं आए, यहाँ पे जो एड्स नज़र आ रहे हैं तो वो भी एड्स गायब हो चुके हैं हुआ। उसके बाद में अगर मैं कोई भी ब्राउज़र ओपन, यानी वही ब्राउज़र ओपन करूँगा और उसी ब्राउज़र में वही वेबसाइट ओपन करूँगा जो मैंने ओपन करके आपको बताया था, ठीक है। अब इसके अंदर में अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, रिफ्रेश करने के बाद में एड्स यहाँ पे नहीं शो हो रहे हैं, बॉटम में आपको दिख रहा है, बॉटम में आपको नज़र नहीं आ रहा है, एड्स गायब हो चुके हैं। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप किसी भी ब्राउज़र के वेबसाइट, यानी किसी भी वेबसाइट पे जो एड्स आते हैं उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, और किसी भी एप्लीकेशन के अंदर में कोई भी एड्स आते हैं तो उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, यानी वो एड्स आपको शो ना हो, एप्लीकेशन आप इजीली यूज़ कर पाएँ। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, उसको मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व करूँगा। और अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी भी आपके फ्रेंड्स को नहीं पता वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान है ऐड से, तो आप उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।